आपको सुना रही हूँ। सरखंडागम ग्रंथ मेरे सामने विराजमान है, इसमें मैं आपको ले चलूंगी, इसके सार को सुना रही हूँ। आपने गुणिस्थानों का सार सुना है। हम और आप सभी संसारी प्राणी पहले गुणिस्थान से लेकर 14 गुणिस्थानों तक विभक्त संसार में रहने वाले और पुनः गुणिस्थानातीत सिद्ध भगवान जो सिद्ध स्थला पर विराजमान हो चुके हैं, वहां तक आपने सार रूप में सुना था। हम और आप सभी कोई चौथे गुणिस्थान में है, असंयत सम्यक दृष्टि है, जो व्रतों को नहीं लिए अनुवृत्ति अथवा महावृत्ति नहीं बने, जो अनुवृत्ति है महावृत्ति है वो पंचम गुणिस्थान वृत्ति है अनुवृत्ति, और छठे गुणिस्थान वृत्ति सप्तम गुणिस्थान वृत्ति छठे और सातवें गुणिस्थान में रहने वाले महावृत्ति मुनि, आज इस भरत क्षेत्र के आर्यखंड में यहाँ कर्म भूमि में पंचम काल में सात गुणिस्थान तक की व्यवस्था है। आगे के गुणिस्थान श्रेणी में होते हैं, श्रेणी आरोहण करके महामुनि कर्मों का उपशम अथवा क्षय करके केवल ज्ञानी बनते हैं। ये व्यवस्था सातवें गुणिस्थान से आगे की 160 विदेह क्षेत्रों में चल रही है। यहां भी जब आगे चतुर्थ काल आएगा तो पूरा प्रारंभ हो जाएगी। तो मैं आपको ले चलूं इस अध्याय के मंगलाचरण की ओर। महावीरो जगत स्वामी सातिशायी विस्तृतः तस्मै नमोस्तु मे भक्त्या पूर्ण संयम लब्धये। भव्यात्माओं, जब मैं सन 1995 में मैंने नवंबर में मांगीतुंगी सिद्ध क्षेत्र के लिए विहार किया था, यहाँ 24 तीर्थंकर भगवान विष्णुव्रत की जो 31 फुट की प्रतिमा विराजमान है 20 फुट की, उनके पंचकला प्रतिष्ठा के निमित्त को लेकर के उस समय मैंने ये प्रकरण उस विहार के मध्य अतिशय क्षेत्र महावीर जी में लिखा है, इसीलिए भगवान महावीर को नमन किया। और जहां जहां मैंने लिखा मेरी हस्तलिखित पन्ने में हस्तलिखित कॉपियों में हस्तलिखित कागज पर वो तिथि और तारीख और स्थान और गांव के नाम सब जगह मैंने नोट कर किया, सब लिखे हुए हैं, वो प्रस्तावना में दिए भी गए हैं किस तारीख में किस तिथि में कहां पर क्या लिखा। तो ये प्रकरण मैंने महावीर जी में लिखा, भगवान महावीर को नमन किया और स्मरण किया उस तिथि को कि सन 1953 में भारत गौरव आचार्य रत्न श्री देशभूषण जी महाराज के कर कमलों से मैंने महावीर जी में संयम प्राप्त किया था, पिचिका प्राप्त की थी छिलका के रूप में, वहां छिलका दीक्षा प्राप्त की थी महावीर जी में। अतिशय ऐसे अतिशय क्षेत्र भगवान महावीर की वंदना करके मन प्रसन्न हो उठा। पुनश्च आचार्य श्री सांसार महाराज के दर्शन करके उनकी प्रेरणा से आचार्य श्री वीर साहब के करकमलों से मैंने आर्यिका दीक्षा ली थी सन 56 में। तो ये मंगलाचरण मैंने किया। पुनश्च मैंने इस ग्रंथ में सर्वत्र सूत्रों का विभाजन किया है, जैसे जैसेनाचार्य ने समय सार प्रवचन सार पंचास्तिकाय की टीका करते हुए जैसे गाथाओं का विभाजन किया है, कितनी गाथाओं में क्या क्या प्रकरण लेगा, अंतर अधिकार महाअधिकार अंतराधिकार अंतर स्थल आदि विभक्त किए हैं, उसी पद्धति को अपनाते हुए मैंने इसमें सूत्रों का विभाजन किया है। 23 प्रथम पुस्तक में 177 सूत्र हैं और इसमें 23 सूत्रों तक तो गुणिस्थानों का प्रकरण हुआ है, मंगलाचरण गुणिस्थानों का, आगे 24वें सूत्र से मार्गणाओं का प्रकरण चलेगा। मार्गणाएं क्या हैं? जिनमें जीव खोजे जाते हैं ढूंढे जाते हैं पाए जाते हैं उन्हें मार्गणा कहते हैं। गुणिस्थान को तो मैंने बताया आपको, मार्गणा में हम और आप सभी गति मार्गणा में हैं। गति मार्गणा में कौन सी गति में है? मनुष्य गति में, यही सब इसमें वर्णन है।
गतियां चार हैं और यहाँ तो गति पांच लिए है, उसे सिद्ध गति को भी गति कहा है, पंचम गति, पंचमी गति। आगे इंद्रिय मार्गणा आदि 14 मार्गणाएं हैं। तो सबसे पहले इस गति मार्गणा में श्री भूतबली आचार्य और पुष्पदंत आचार्य दोनों ने इस ग्रंथ की रचना की, तो ध्यान में रखें श्री पुष्पदंत आचार्य ने 177 सूत्रों की रचना की है। इसके आगे के सभी सूत्र षटखंडागम के महाबंध तक सब श्री भूतबली आचार्य के द्वारा बनाए गए। पुष्पदंताचार्य ने 177 सूत्र लिख करके और अपने गुरु भाई भूतबली आचार्य के पास भेजा था और आगे की रचना पूरी उन्होंने की है। तो अभी मैं श्री पुष्पदंत आचार्य के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए उनके द्वारा जो ये सूत्र हैं रचे हुए उनको मैं आपको इस गति मार्गणा में 24वां सूत्र आदेशेण गद्यानुवादेण अत्थि निरय गति तिरिक गति मनुष्य गति देवगति सिद्ध गति चेदि, ये श्री पुष्पदंत आचार्य के मुख से निकला हुआ सूत्र 24वां सूत्र। आदेश यानी विस्तार की अपेक्षा, संक्षेप की अपेक्षा, संक्षेप को ओघ कहा है। यहाँ जैन सिद्धांत ग्रंथों में ओघ और आदेश, ओघ का अर्थ है सामान्य सामान्य, और यहाँ ओघ का अर्थ है सिद्धांत ग्रंथ में ओघ का अर्थ है गुणस्थान, गुणस्थानों की अपेक्षा, और आदेश का अर्थ है मार्गणा विस्तार। विस्तार से अब आदेश से, विस्तार से मार्गणा की अपेक्षा गतियानुवादेन गति मार्गणा में नरक गति तिर्यंत गति मनुष्य गति और देव गति सिद्ध गति चेदि, श्री पुष्पदंत आचार्य ने इसी सूत्र में सिद्ध गति चेदि अंत में सिद्ध गति को भी लिया है। मुख्य रूप से गति चार है और इस ग्रंथ के अनुसार श्री पुष्पदंत भगवान के मुख कमर से निकले सूत्र के अनुसार गति पांच हो गई, अंतिम गति पंचमी गति सिद्ध गति, जो चारों गति से संसार से अतीत सिद्ध गति, जिसके लिए हम और आप सभी प्रयत्नशील हैं। प्रातः काल से उठ करके भगवान का अभिषेक देखते हैं किस लिए, अपने कर्मल को धोने के लिए, अपने कर्म रूपी मल को अपने आत्मा से अलग करने के लिए भगवंतों का आपसे एक देखते हैं करते हैं और प्रसन्न होकर के उसकी कृतकायत अनुमोदना कोई करते हैं, कोई कराते हैं, कोई देख रहे हैं, अनुमोदना कर रहे हैं। कई बार प्रश्न आ जाता है ये तो सब श्रावकों की क्रियाएं हैं देव पूजा गुरु पास की, साधु आपसे क्यों देखते हैं? मैं बताता हूं, मैंने अनेकों बार प्रमाण दिए हैं। मूलाचार अनगार धर्मामृत आचार सारा जी के ग्रंथों में जो भक्ति पाठ करने का हमें विधान है साधुओं के लिए, कहाँ कितनी भक्तियों का पाठ करना, देव वंदना में यानी सामायिक में दो भक्ति हैं चैत भक्ति पंचगुरु भक्ति, प्रतिक्रमण में चार भक्ति हैं सिद्ध भक्ति प्रतिक्रमण भक्ति वीर भक्ति चतुर्विश तीर्थंकर भक्ति आदि। उसी प्रकार से अभिषेक वंदना विधि उसे लिखी है, अभिषेक वंदना यानी अभिषेक वंदना अभिषेक देखते समय चार भक्ति का पाठ करना साधुओं के लिए कहा है, सिद्ध भक्ति चैत्य भक्ति पंचगुरु भक्ति और शांति भक्ति। प्रतिदिन अभिषेक देखते समय मैं चार भक्ति का पाठ अवश्य करती हूँ, नियम से मैं अभिषेक देखते समय चारों भक्तियों का पाठ करती हूँ। मैं समझती हूँ अनेक साधु करते होंगे, जो यथा समय मूलाचार आचार सार के अनुसार भक्ति पाठ करते हैं। आज भगवान की गर्भ कल्याणक तिथि है, भगवान की गर्भ कल्याणक तिथि के दिन भी भक्ति पाठ किया जाता है, सिद्ध भक्ति चारित्र भक्ति शांति भक्ति और समाधि भक्ति।
भगवान की पंचकल्याणक तिथियों में भी तिथि वंदना करते हुए भगवान की कल्याणक तिथियों का पाठ हम लोग करते हैं। तो इसलिए अभिषेक वंदना यानी अभिषेक देखने की परंपरा आचार्य श्री सांसार महाराज से मैंने पाई है। प्रतिदिन आचार्य श्री चारित चक्रवर्ती प्रथमाचार्य श्री सांसार महाराज, जिनका मैंने अभी घोषित किया है आपको, आगे आने वाले फाल्गुन शुक्ला चतुर्दशी सन 2019 से हम और आप सभी उनका मुनि दीक्षा शताब्दी महोत्सव मनाएंगे। उन्होंने 1920 में मुनि दीक्षा ली है, 2019 से 2020 तक एक वर्ष तक आचार्य श्री का गुणगान करेंगे। तो भव्यात्माओं, मैंने देखा है कि वो प्रतिदिन पंचामृत अभिषेक देखकर हार को उठते थे, वही विधि मैंने आचार्य श्री वीरसा जी महाराज के यहाँ पाई। बराबर इस परंपरा में आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज भी प्रतिदिन पंचामृत अभिषेक देखते थे, संघर्ष प्रतिमा में विराजमान। जहाँ जिन गाँव में जिन शहरों में पंचामृत अभिषेक की परंपरा नहीं है, वहाँ मैंने देखा है कि संघ के ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी संघ के लोग बराबर संघ में प्रतिमा रखते हैं और अभिषेक करते हैं। ये प्रतिमा संघ में रखने की परंपरा भी समझ लीजिए, मैं तो कहूँगी अनादि है। बराबर संघ में रहने वाले श्रावक श्राविका ब्रह्मचारी लोग अपने संघ में प्रतिमा रखते हैं, भगवान का अभिषेक करते हैं, क्योंकि बिना दर्शन किए बिना अभिषेक किए भोजन नहीं करेंगे व्रति आदि। भव्यात्माओं, तो मैं बता रही थी आपको कि चार गतियों में हम और आप सभी मनुष्य गति में हैं। नरक गति, तिरंग गति, मनुष्य गति, देव गति, इनका प्रकरण आप क्रमशः सुनते रहेंगे। बातें हैं कि इनका विस्तार करें तो त्रिलोक सार आदि के अनुसार बहुत विस्तृत हो जाएगा। नरक सात है, उन सातों में रहने वाले पहले नरक से लेकर सातवें नरक तक रहने वाले नारकी सभी पंचेंद्रीय हैं, उनके हुंडक संस्थान है विकृत शरीर वाले, और जो महान पाप व्यसन आदि करके नरक में जाते हैं वो वहां दुख उठाते हैं, वहां तिल तुष्मात्र भी सुख का लेश नहीं है, यहां दुख ही दुख है, वो नरक गति। और जहां कुछ सुख है दुख है, तिरंज गति, एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक असंख्यात तिरंज है, बल्कि यो कहिए एक इंद्रिय में साधारण वनस्पति आदि अनंत अनंत है, अनंत वनस्पति अनंत जीव है। मनुष्य गति में हम और आप हैं, मनुष्यों के बहुत से भेद हैं वो आपको हम सुनाएंगे, और देव गति में चार प्रकार के भेद हैं, भवनवासी, व्यंतर, ज्योति, कल्पवासी आदि। इन सबसे परे सिद्ध गति, उसको प्राप्त करने के लिए मैं बता रही थी कि हम और आप सभी प्रातः काल की मंगल वेला से लेकर के रात्रि के शयन करने तक जो भी धर्म कार्य करते हैं, क्यों सिद्ध गति को प्राप्त करने के लिए, आत्मा को सिद्ध बनाने के लिए, हमारा और आपका पुरुषार्थ सफल हो, किसी न किसी दिन हम और आप सभी सिद्ध गति को प्राप्त करें, यही प्रेरणा और सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। वंदन बारंबार सटखंडागम ग्रंथ राज को, वंदन बारंबार सटखंडागम ग्रंथ राज को, वंदन बारंबार।